वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस थी डॉट मिठू। तो आज का ब्लॉग है कमेंट, आप देख सकते हैं। तो आज हम कमेंट को पूरा कर रहे हैं। तो आज हम अपने सारा बैंगल शेयर करेंगे कि मेरे स्टार्टिंग से मेरे पास कितना सारा बैंगल था। इतना सारा मेरा बैंगल्स है, अभी हम आपको खोल के दिखाएंगे, लोग देख लिए कि इतना सारा है। अभी हम आपको इतने खोल के अच्छे से दिखाएंगे तो कितना मेरे पास कैसा बैंगल है। वैसे कुछ कुछ देखे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये वाला दिखाते हैं। ये मैं पहले खोल लूं। ये देखो गाइस, फोटो ले ले। हाँ, तो ये मेरा शादी का टाइम का है और ये मेरे पास वेलवेट का चूड़ी है और ये हम लिए थे एक साड़ी का मैचिंग, बाकी रेड है और येलो है। ये हो गया मेरा दूसरा। ये भी मेरा शादी का है। इसमें गाइस ये वाले में ना मैंने पहले ऑर्डर किया था तो ये प्लास्टिक का निकल गया था। तो वो कहते हैं ना कि शादी में प्लास्टिक का नहीं पहना जाता है, लहठी का पहना जाता है। सो मैंने फिर से इसको बनाया और ये मेरा लहंगा का मैचिंग था एकदम। देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसे उठा के दिखा रही हूँ, बहुत भारी है, इसको हम लगता है दोबारा पहने ही नहीं है। ये देखो, मैंने अभी इसका मतलब मैं अच्छे से मैच करके नहीं रखा है इसको, अच्छे से इसको बस ऐसे ही रख दिया है। तो ये हो गया दूसरा, जो साइड करके रख देते हैं। और तीसरा मेरा ये रहा, ये तो आप लोग ने देखा ही होगा, मेरे ये वाला चूड़ा तो आप लोग देखे ही थे। ये मेरे को ऐड करने के लिए मिला था, मैं इसे एक बार उठा के आपको दिखा देती हूँ। ये वाला निकाल, पहले एक ही दिखाती हूँ मैं। ये देखो गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को क्योंकि ये ऐसे लटक जाता है तो बहुत प्यारा लगता है मेरे को, जो कि आपने देखा होगा बहुत बार हम पहने भी होंगे। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं, इसको हम अच्छे से बांधने रखेंगे। और ये दिखाती हूँ, इस पर पता नहीं कौन सा चूड़ी होगा। ये देखो गाइस, ये मेरे वेलवेट के ही चूड़ी है और ये रेड कलर का ऐसे ही बीच में डाल के पहनने का, और ये हम ऐसे ही लिए थे पहनने का। और ये मेरे को ना मम्मी जी दी थी शायद, हाँ मम्मी जी दी थी ये वाला। ये देखो, इसमें भी है देखो, है ना। तो ये वाला में भी लटका है लेकिन इसको हम कभी नहीं पहने हैं, इसको भी हम बाद में पहनेंगे पूजा उजा में। सो ये हो गया, इसको हम साइड कर लेते हैं। और ये इसमें देखो गाइस, ये मेरे पुराने थोड़े से, मैं बताती हूँ, ये मैंने बहुत पहले लिया था शादी से पहले, लेकिन हम इसको कभी नहीं पहना है, कभी भी नहीं। और ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, इसको कौन सा मेटल वाला, हाँ ये सिल्वर मेटल है। और बाकी ये सब चूड़ी है, जब ये मेरा है पहला तीज का है, ये दूर जाइए तो, ये मैंने पहले लिया था शादी से पहले लेकिन कभी नहीं पहने थे। और ये सब मेरा ये है अगली बार जो तीज किए थे उसके लिए, बहुत गर्मी लग रहा है ना। और ये मैं दिखा रही हूँ बहुत मस्त, ये देखो गाइस, ये मेरा साड़ी का मैचिंग है ना, ये मेरा साड़ी का मैचिंग। और ये येलो हम ऐसे ही खरीदे थे। और एक दिखाती हूँ बहुत सुंदर, और ये मेरा रेड चूड़ी वगैरह ये सब शादी का है। सो अभी मैं पहले एक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये वाली चूड़ी पहले मैं इसे ऐसे ही रख दे रही हूँ, बाद में अच्छे से रख दूंगी। ये देखो गाइस, ये मैंने पहले ही खरीदा था, बहुत प्यारा लगता है। सो ये मैंने शादी से पहले खरीदी थी लेकिन इसको कभी नहीं पहने थे, मतलब अभी भी हम आप देखे होंगे किसी में ये नहीं पहने, ये सिंगल पहनने का। जब भी सोचती हूँ कि इसको पहनूं लेकिन क्या है ना कि भूल जाते हैं, लेकिन हम याद से इसको इस बार कहीं घूमने जाएंगे तो पहनेंगे। सो ये सब हो गया, मेरे को एकदम पूरा अच्छे से रेडी करके रखना होगा। और यहाँ पे मेरे कुछ एक्स्ट्रा है, ये वाले ये सब चूड़ी वगैरह है। और ये है, जब हम अंडाल गए थे ना तो हम ये वाला लिए थे, और ये हम जब पूरी गए थे तब हम रेड कलर का लिए थे। तो ये सब नॉर्मल चूड़ी हो गया है, यहाँ पे रख देती हूँ। और इसमें मैं बताती हूँ कि कुछ कुछ लहठी है मेरे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जब जम्मू में मेला लगा था ना गाइस, तब हम इसको लिए थे। सो ये मेला लगा था तो चूड़ी के बीच पहनना है। और ये मेरा सिटी गोल्ड का है, लेकिन लगता है बिल्कुल असली कंगन के जैसा ना। मेरा जो है
गोल्ड का कंगन बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये सिटी गोल्ड का हो गया। और ये वाला डब्बा बहुत खूबसूरत लग रहा है आपको देख के ही, तो इसमें हम खोल के दिखा रहे हैं आपको। तो इसमें मेरा एंगेजमेंट वाला है, ये हमको पता आपके भैया खरीद के दिए थे एंगेजमेंट। हाँ, ये इसकी साइनिंग देख रहे कितना ज्यादा है। सो ये वाला डायमंड जैसा है। तो एंगेजमेंट में दिए थे मिट्टू जी, लेकिन इसको हम एक बार पहन चुके हैं। सो इसको पहन लिए और अभी हम अपना वॉच भी दिखा देते हैं। ये मेरा टाइटन का वॉच है और ये मेरे को मम्मी दी थी शादी के टाइम में। इसके डिजाइन बिल्कुल बहुत सुंदर लगता है, गोल हो जाता है ये देखो गाइस डिजाइन, यहाँ से गोल होगा और ऐसे हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगता था, शादी में ही मम्मी मेरे को दी थी गिफ्ट। तो ये तो मेरे को शादी में पड़ा, लेकिन इसको हम अभी तक नहीं पहने हैं, बहुत सब पता हम भूल जाते हैं, ऐसे नॉर्मली पहने रहते हैं। और ये एक वॉच ही हम बहुत पहले ही लिए थे। सो ये मेरा दो वॉच हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। मेरे पास इतना बैंगल है, तो देख लिए कि मेरे पास इतना सारा बैंगल है और इसमें बहुत कुछ कुछ हम नहीं पहने, और भी है वहाँ चूड़ी में दिखा सकते हैं आप, वहाँ पे दिखा दीजिए थोड़ा सा। और वो है, और नीचे ड्रॉर खोलिए उसको, हम सब चूड़ी है तो उसमें क्या है दिखाना। देखे कि यहाँ पे और भी चूड़ी वगैरह था, तो जो जो मतलब ज्यादा हम अच्छा लगता है हमको, तो ये सब में रखा हुआ है। तो भी हम इसको अच्छे से रखेंगे। बाकी ये वाला जो भी है बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा ऐसे करती हूं। तो अभी हम आपको अच्छे से और दिखा देते हैं पास से, ताकि अगर मैं दूर से दिखा रही थी तो क्लियर नहीं दिख रहा था। सो हम अभी अच्छे से इसे एकदम जूम करके ले रहे हैं। सो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग अच्छे से इसका डिज़ाइन कलर जो भी है सब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये मेरा इतना बैंगल हो गया। सो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे आपने बोला कि सब दिखाइए, तो हम सब आपको दिखा दिए कि मेरा ऐसा ऐसा है। इसमें बहुत सारा आप लोग देखे ही होंगे, तो बस जैसे कमेंट आया था कि आप दिखाइए, तो हम बस एक बार आपको सारा मतलब मेरे पास बस इतना ही है जितना दिखा है, टोटल बैंगल आपको दिखा दिए। तो मेरा खत्म हो रहा है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये हमको बहुत अच्छा लगता है जो हम हाथ में पहने, ये हमेशा हम पहनते हैं, क्योंकि ये एक मोटा है ना, साइड साइड में डाल लेते हैं और बीच में ये रहता है, हमेशा ढूंढ मेला में लेते हैं। सो बहुत प्यारा लगता है हमको। हो गया आज का व्लॉग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा कमेंट कीजिएगा, इतना सारा प्यार दे दीजिएगा, और आगे किस पे ब्लॉग बनाना है ये भी कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बाय बाय। और ये मेरा मशीन जो हम उस दिन बनवाने के लिए लेके गए थे ना, वो बनवा के आ चुकी है, मैं भी इसको थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा कंप्लीट हो गया गाइस। तो हम सोचे ना कि थोड़ा बड़ा लड़की लोग को तो आना ही चाहिए, तो हम थोड़ा सा मम्मी जी से सीख लेंगे कि कैसे चलाता है। बाकी कोई भी ड्रेस फिट उट करना हो तो हम मतलब इसी से ऐसे करेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना ऐसा करके। तो अभी जब हम इसका सिलाई सीख लेंगे और जब हम कपड़े सिले हैं ना, उसका भी ब्लॉग डालेंगे कि पहली बार हम सिलाई सीखेंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है कि लड़की लोग को थोड़ा मोड़ा तो सारा काम आना चाहिए। बाकी ये हो गया, इसको साइड में रख देते हैं, ये वाला लेके आ गए हैं।